नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितिन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी, ये है खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के लिए साल 2020 का काला समय माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दो महीनों के भीतर एक से बढ़कर एक सुपरस्टार अभिनेताओं की मौत हो चुकी है। फिल्म जगत और फिल्मी फैंस को तेज झटके ला रहे हैं। एक जख्म उभरते नहीं है कि दूसरा जख्म मिल जाता है। फिल्म जगत के लिए साल 2020 को मनहूस समय कहा जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर, योगेश, वाजिद खान सहित कई कलाकारों की मौत के बाद बॉलीवुड को एक और झटका लगा है, जिसके कारण इन सितारों के फैंस सोशल मीडिया पर इन्हें याद कर रहे हैं और साल 2020 को कोस भी रहे हैं। एक तो देश में कोरोना का कहर जारी है, वहीं कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। महामारी के कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है, वहीं कोरोना काल में कई सितारों की मौत हो चुकी है। आज बॉलीवुड अभिनेता तेजस डी पर्वतकार का निधन हो गया है। हालांकि मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। बॉलीवुड एक्टर सत्यजीत दुबे ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की है। वहीं एक्टर तेजस डी पर्वतकार की मौत के बाद बॉलीवुड जगत में फिर से शॉक की लहर दौड़ गई है। यह थी रणवीर कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, आप देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।